नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, पीएम मोदी पर खड़गे के पलटवार की, बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाई कोर्ट के आदेश की, जेडीयू में पड़ी बड़ी फूट की, जानेंगे मोदी सरकार की किस योजना के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन, कैसे ईडी खुद पड़ गई मुसीबत में, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, राज्य का पैसा रोकने का लगाया आरोप, 2 फरवरी से केंद्र के खिलाफ देंगी धरना। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया 5वां समन, शराब नीति केस में 2 फरवरी को होगी पूछताछ, सीएम ने कहा था बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 612 अंकों की तेजी के साथ 71,752 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 204 अंकों की तेजी के साथ 21,726 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है। यात्रा दूसरी बार बंगाल पहुंची है, पहले ये असम के रास्ते कूचबिहार आई थी और अब मालदा पहुंची है। बंगाल में राहुल की यात्रा में उमड़ी भीड़ के चलते राहुल गांधी की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो कैसे राहुल के समर्थन में उमड़ रहा है हुजूम, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से बंगाल पहुंच गई है। बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे राहुल को सुनने और उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और इसी के चलते राहुल गांधी की कार हादसे का शिकार भी हो गई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भीड़ के चलते अचानक कार को ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके कारण राहुल गांधी की सुरक्षा में बनाए गए घेरे की रस्सी से उनकी कार का पीछे का शीशा टूट गया। पार्टी ने इसे जनता का प्यार बताया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ तीखे बने हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा के राज में आज 30 किसान रोज अपनी जान ले रहे हैं। देश के किसानों का कर्ज जब 2014 के मुकाबले 60% अधिक है, तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया है। फसल बीमा योजना में किसानों के हिस्से के 2,700 करोड़ रोकने वाली निजी इंश्योरेंस कंपनियां खुद 40,000 करोड़ मुनाफा कमाकर बैठी हैं। महंगी खाद, महंगे बीज, महंगी सिंचाई, महंगी बिजली के कारण आसमान छूती कृषि लागत के बीच किसान एमएसपी तक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना उचित एमएसपी के किसान को प्रति क्विंटल गेहूं पर 200 रुपए और धान पर 680 रुपए का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य कृषि लागत को घटाकर किसानों को फसल की सही कीमत दिलाना है, क्योंकि किसानों की समृद्धि का रास्ता उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही उनके साथ वास्तविक न्याय है। हमारी सरकार किसानों की सरकार होगी, कुछ सरकारी उद्योगपतियों की नहीं होगी। राहुल के तेवर और न्याय यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुट रही भीड़ बीजेपी को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष नाराज दिख रहा है। बुधवार को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कस दिया, जिसका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा जवाब दिया है। तो क्या कहा है पीएम ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 जनवरी यानी आज से संसद में बजट सत्र शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने सत्र की शुरुआत में सरकार की उपलब्धियों को बताया तो पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों पर तंज कसते हुए उन्हें आदतन हुड़दंगी कहकर उनसे प्रायश्चित करने को कह दिया। पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर बयान दिया, हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे उनकी सरकार संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। संसद के पिछले सत्र में दोनों सदनों से अभूतपूर्व 146 सांसदों को निलंबित करके केवल 3 दिनों में 14 विधेयक पारित किए गए। मौजूदा लोकसभा में 1 घंटे से भी कम चर्चा में 172 में से 64 विधेयक पारित हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा की इसी अवधि में राज्यसभा में 1 घंटे से भी कम चर्चा के साथ 61 विधेयक पारित किए गए। वर्तमान लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल उपाध्यक्ष के बिना पूरा करेगी। ये पद पारंपरिक रूप से विपक्षी सदस्य के लिए आरक्षित है। इससे पता चलता है कि कैसे निरंकुश मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और विपक्ष की आवाज का गला घोंट रही है।
17वीं लोकसभा जो 9 फरवरी को समाप्त होने वाली है, अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं की तुलना में सबसे कम दिनों तक बैठेगी। ये बताता है कि कैसे मोदी सरकार संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा रिकॉर्ड संख्या में विधेयक पारित करने के सभी दावों के लिए उनके पहले कार्यकाल में दोनों सदनों द्वारा 179 विधेयक पारित किए गए और उनके दूसरे कार्यकाल में 213 विधेयक पारित किए गए, जो भाजपा के व्यापक व्यवधान के बावजूद यूपीए 1 के तहत पारित 297 विधेयकों और यूपीए 2 के तहत पारित 248 विधेयकों से कम है। पिछले दो दशकों के आंकड़े बताते हैं कि संसद में सबसे अधिक व्यवधान 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 के दौरान हुए, जब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थी। तो ये भाजपा ही है जिसने संसद का अपमान किया है, विपक्ष नहीं, लोकतंत्र संकट में है, सौजन्य भाजपा। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ जो 74 मिनट तक चला और अपने भाषण में उन्होंने चंद्रयान, शिक्षा व आतंकवाद का जिक्र करते हुए सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, जिस पर कटाक्ष करते हुए विपक्षी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति ने जनता के मतलब की कोई बात नहीं कही, अभिभाषण में रोजगार का कोई जिक्र तक नहीं किया। खड़गे ने सरकार को आईना दिखा दिया है कि हंगामे का जिम्मेदार कौन है। वैसे हंगामा इस समय चंडीगढ़ में मचा हुआ है, मेयर चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली वो सवालों में है और अब इस मामले में हाईकोर्ट की भी एंट्री हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से 3 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आप और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से धांधली के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाए गए हैं। मंगलवार को घोषित नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी, उन्हें 16 वोट मिले, जबकि आपके कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। कुलदीप को मिले 8 वोट रद्द कर दिए गए थे और इसके बाद से ही ये मामला हाईकोर्ट पहुँच गया। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी थी। कुमार ने आरोप लगाए थे कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में ये चुनाव हुआ है, साथ ही उन्होंने नए चुनाव कराने की भी अपील की है। याचिका में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि अधिकारी के सामने 3 टोकरियां थीं, इनमें से एक आपके उम्मीदवार, एक भाजपा के उम्मीदवार और तीसरी अवैध मतों के लिए थी। वीडियोग्राफी से यह साफ हो गया है कि अधिकारी ने सिर्फ कंफ्यूजन बनाने के लिए एक टोकरी के मतों को दूसरी में मिला दिया। इस दौरान उन्होंने जालसाजी और छेड़छाड़ कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में नए चुनाव कराने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। खास बात यह है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ऑफ चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 पदों पर 30 जनवरी को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेश अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया था कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आज कोई राहत नहीं दी है। चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी हुआ है जिसका जवाब दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता के वकील फैरी सोफत का कहना है कि हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया, 26 जनवरी 2024 को इस मसले पर दोबारा सुनवाई होगी। प्रोसाइडिंग ऑफिसर का वीडियो जिसमें वो सरेआम वोट से टैपरिंग करते हुए दिख रहा है, इस क्लिपिंग को अदालत को एक पेन ड्राइव में दिया गया है। हमने अदालत में बताया कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया से प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने छेड़छाड़ की है। हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब के सीएम ने धरना देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। साथ में बीजेपी का साथ देने वाले दल भी दबाव में दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन से पलटी मार कर एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार की पार्टी तो टूटती हुई नजर आ रही है। जेडीयू में बगावत हो रही है, जेडीयू में बड़ी फूट पड़ गई है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली है और पार्टी के एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता कपिल पाटिल ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर मुंबई में बैठक हुई है और इस बैठक में जेडीयू महासचिव भी शामिल हुए। पाटिल ने दावा किया कि जेडीयू को एमवीए में 1 सीट मिल सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। तो दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। मंडल आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके परिवार के समर्थन में आए हैं। मंडल ने तेजस्वी से ईडी पूछताछ को गलत करार दिया है। जेडीयू विधायक ने कहा, लालू के बच्चों से उस मामले में पूछताछ की जा रही है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब का ये मामला है तब लालू के बच्चे बहुत छोटे थे, वो निर्दोष हैं। गोपाल मंडल के बयान से साफ है कि वो भी नीतीश के फैसले से खुश नहीं है, जिस कारण से ईडी पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से नीतीश के फैसले के खिलाफ आवाज उठी है, उसे साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार साफ कह चुके हैं
कि वो जो कह रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। इस साल यानी 2024 में ही नीतीश कुमार सीएम पद से हटेंगे और उनकी पार्टी भी समाप्त होगी। और जिस तरह से नीतीश के खिलाफ पार्टी में बगावत होते दिख रही है, उससे तेजस्वी का दावा सच होते दिखाई दे रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में जेडीयू में फूट पड़ गई है, जिससे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। देश के युवाओं के खिलाफ मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को बताते हुए कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। 1 फरवरी से कांग्रेस पार्टी जय जवान अभियान आंदोलन की शुरुआत कर रही है। जंतर मंतर से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जय जवान अभियान देश की सुरक्षा, सेना और युवाओं को बचाने और न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना के कारण सेना, वायु सेना और नौसेना में चयनित करीब 1.5 लाख उम्मीदवार सेना में शामिल होने से वंचित रह गए। रेगुलर सैनिक के मुकाबले अग्निवीरों की ट्रेनिंग और वेतन दोनों कम है। ये अग्निवीर जब सेवा से बाहर होंगे तो आने वाले वर्षों में सेना की क्षमता भी घटेगी। मोदी सरकार ने देश को प्राइवेट आर्मी की तरफ धकेल दिया है। चौधरी ने कहा, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पिछले 1 साल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं और पूर्व सैनिकों से इस बारे में बात की है, जिसके बाद हमने अग्निपथ के खिलाफ आवाज उठाई। जंतर मंतर पर 1 फरवरी को इन सभी युवाओं के लिए हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आप सब भी इस लड़ाई में आगे आइए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आंदोलन को लेकर बताया कि जय जवान अभियान के 3 चरण होंगे। पहला चरण संपर्क अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, दूसरा चरण सत्याग्रह 5 मार्च से 10 मार्च तक, तीसरा चरण पद यात्रा 17 मार्च से 20 मार्च तक। कांग्रेस नेता ने कहा, आंदोलन अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए चलाया जाएगा और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र की जांच एजेंसी को मुसीबत में डाल दिया है। ईडी के अधिकारी सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं, तो सोरेन ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया है। क्या है खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अफसरों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। रांची पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। शिकायत में सीएम सोरेन ने बकायदा कुछ अधिकारियों का नाम लिया है। उन्होंने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC ST पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सोरेन ने कहा कि मुझे प्रताड़ित करने, मुझे और मेरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इन अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन किए हैं। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि उनके आदिवासी समुदाय से होने के चलते स्थानीय मीडिया में उनके खिलाफ कार्रवाई की कवरेज डिजाइन की गई है। सीएम सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मकसद के तहत दिल्ली में उनके परिसरों की तलाशी ली है। सोरेन के मुताबिक इस कार्रवाई को बिना नोटिस के अंजाम दिया गया है। शिकायत में लिखा है कि कार्रवाई के दौरान उनके वहां मौजूद होने को भी जरूरी नहीं समझा गया, बल्कि उसी दिन उन्हें रांची में मौजूद रहने को कहा गया था। आपको बता दें कि अधिकारियों पर ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मीडिया को इस तलाशी अभियान की जानकारी पहले ही दे दी थी, ताकि इस कार्रवाई से तमाशा बने और आम लोगों के बीच सीएम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। सोरेन की शिकायत के बाद अब ईडी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर ईडी ने आज हेमंत सोरेन सीएम आवास में पूछताछ की। हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं और अब खुद ईडी मुसीबत में नजर आ रही है। इस सबके बीच एक बड़ा खुलासा महाराष्ट्र को लेकर भी हुआ है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है और यहां विकास के लिए फंड सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को ही मिलता है, विपक्ष के लिए तिजोरी खाली होती है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC का कार्यकाल 2 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। निगम प्रशासन के हवाले है, 2 साल से कोई चुनाव नहीं कराए गए हैं। ऐसे में प्रशासक के सहारे ही विधायकों को विकास कार्य के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है। राज्य की शिंदे सरकार का दावा है कि बजट में कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा है, पूरे मुंबई के विकास को समान रूप से किया जा रहा है। लेकिन एक RTI से सामने आया है कि BMC के खजाने का ताला तब खुलता है जब विधायक सत्ताधारी दल का हो। विपक्ष के विधायकों की मांग पर खजाना खाली बता दिया जाता है। आपको बता दें, मुंबई में कुल 36 विधायक हैं। इन विधायकों में से 21 विधायक सत्ताधारी BJP और शिंदे शिवसेना गठबंधन से हैं, जबकि 15 विधायक विपक्षी दलों के हैं। BMC विधायकों को विकास कार्यों के लिए फंड मांगने की अनुमति देती है, जिससे विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च कर सके।
इस बीच आरटीआई से पता चला है कि बीएमसी ने मुंबई के विकास के लिए सत्ताधारी बीजेपी और शिंदे शिवसेना के विधायकों को ही फंड जारी किया, जबकि विपक्षी विधायकों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। बीजेपी के 15 विधायकों की ओर से 462 करोड़ रुपए मांगे गए और उन्हें 374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। शिंदे गुट के 5 सांसदों ने 191 करोड़ रुपए की मांग की और उन्हें 126 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 विधायकों ने 84 करोड़, कांग्रेस के 4 विधायकों ने 26 करोड़, सपा विधायक ने 25 करोड़ रुपए का फंड मांगा, लेकिन उन्हें एक भी पैसे का फंड जारी नहीं किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि विपक्षी विधायकों ने फंड के लिए तभी अप्लाई किया था जब सत्ताधारी दल के विधायकों ने अप्लाई किया था, लेकिन पैसा सिर्फ सत्ताधारी दल के विधायकों को मिला। अब सवाल है कि विपक्षी विधायकों को आखिर फंड क्यों नहीं जारी किया गया? ये पैसा ना तो देवेंद्र फडणवीस का है, ना एकनाथ शिंदे का है, ये पैसा मुंबई के लोगों का है। और बुलेटिन एकदम सामने बहुत अच्छा वर्ड है। परम सुंदरी यहाँ पे आ जाओ, मैं वापस आती हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब